हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे हमेशा की तरह। और अभी हम जो है सूट की कटिंग करने जा रहे हैं, तो घर के सारे काम निपटा करके खाना वगैरह बन गया है, खा पी लिए हैं सभी लोग और जो है सारे काम फिनिश हो गए हैं। उसके बाद जो है अपना ये काम सिलाई वाला स्टार्ट करेंगे, और जब काम हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही जो है अपनी ये जो एक्स्ट्रा वाले काम है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी काम है ये बाद में ही करते हैं। तो सोचा हमने इसका भी ब्लॉग बना ले। तो ये सूट जो है हमारी बड़ी ननद जी का है, पूनम का है, तो उन्हीं का सूट है ये। तो उनको जो है सूट बनवाना है, और आजकल ना प्लाज़ो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है, तो वही प्लाज़ो बनाएंगे और ये कुर्ता बनाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे, और तो उसी की कटिंग कर लेते हैं। ये सूट का कपड़ा फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, अच्छा भी लग रहा है। ये ऐसे वीडियो में शायद थोड़ा कम अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये बन जाएगा ना जब रेडी होगा, तो ज़रूर इसका वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों का, आप लोगों को सॉरी, तो कैसा बना है। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, शाम की लगभग 8 बज रहे होंगे, खाना वगैरह बन गया है, उसके बाद में विराट खेल वगैरह लिए हैं, खेल भी लिए हैं उस, फिर हमने सोचा जो है कल तो संडे है, लेकिन फिर भी जो है अगर हम आज पढ़ाई नहीं करवाए ना तो ये लापरवाही करेंगे, फिर ऐसे जो है इनकी आदत ख़राब हो जाएगी। तो इनका सैटरडे को ही सारा होमवर्क फिनिश करवा देंगे, और थोड़ा सा पढ़ा भी देंगे, संडे को भी पढ़ा देंगे, लेकिन ये होमवर्क का टेंशन नहीं रहेगी कि इसको होमवर्क कराना है, तो अभी होमवर्क करा दे रहे हैं। और अभी ना बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता, लिख लेता है लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं लिखना आता, तो इसीलिए जो है हाथ पर करवा करके वहाँ क्लास में मैम भी करवाती हैं और यहाँ हम भी। और यहाँ पर अम्मा और पूनम खाना खाने जा रही हैं, तो वही दाल बनी है, तो वही अचार, अचार बोली थी कि निकाल दो, वो खुद ही निकाल लेती, लेकिन जो है बीच में हम ही बैठे थे तो हमको ही निकालना पड़ा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन का सामान यहाँ कमरे में क्यों रखी, आखिर किससे छुपा करके रखी है, तो भैया छुपा उपा करके नहीं रखे हैं, हमारी भांजी है ना, तो वो अभी छोटी है, बच्ची है, उसको नहीं पता है कि जो है अचार को कैसे निकालना चाहिए। इतना पता है कि खाने पीने वाली चीज़ें हाथ धुलकर ही निकालनी चाहिए, गंदे हाथों से नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अचार है ना कि मतलब अगर गीले हाथों से निकालेंगे तो अचार ख़राब हो जाता है, इसी के डर की वजह से हमने यहाँ पर रख रखा है। हमने उससे कहा भी है जब खाने का मन करे तो बता देना, हम निकाल देंगे, इसीलिए जो जब खाना खाते हैं तभी निकाल करके दे देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी चलेगा, और ऐसे गीले अगर हाथों से निकाला गया तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और विराट ना जो है पढ़ाई करते टाइम बातें भी कर रहे थे, हमको बता रहे थे, ऐसे जो है जानवर आवाज़ निकालते, वैसे जानवर आवाज़ निकालते हैं से बोलते हैं। तो हमने कहा होमवर्क वगैरह फिनिश हो गया है, तो वो हम पैक कर दिए इसके बैग में, और उसके बाद में जो है पढ़ने वाली बुक निकाल लिए हैं, और ये अभी पढ़ेंगे, अपने हाथ पढ़ेंगे, कुछ हम बताते रहेंगे। और ये देखिए अम्मा और पूनम, हमारी बड़ी ननद जी खाना खा रही हैं, तो और यहाँ बच्चे दोनों सो गए हैं, इनको ना बाहर ही लेटाना है छप्पर के नीचे, क्योंकि यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि पंखा वगैरह बंद हो जाएगा फिर गर्मी लगेगी, और वहाँ ना बराबर बढ़िया अच्छी सी हवा आती रहती है छप्पर के नीचे। तो यहाँ पर टीवी भी देखते जा रहे थे, उनका सीरियल, उनका फेवरेट सीरियल चल रहा था, और खाना भी खा रहे थे। और फिर जो है होमवर्क वगैरह डन हो गया था, तो सोचा कि जो है अपने आप कुछ पढ़ लेगा, पढ़ भी लेता है, बहुत चीज़ें से मालूम भी है, जो नहीं मालूम होंगी तो हम पास ही में कपड़ा प्रेस कर रहे हैं उसको बताते भी रहेंगे। और ये कपड़ा ना ये फैब्रिक कॉटन का है, तो बिना प्रेस किए पहनते नहीं बनेगा। और ये देखिए मेरी गलती की वजह से जो है उसके हाथ में प्रेस लग गया, उंगली में थोड़ा सा ही लगा था, वही चेक करें कि कितना गर्म है, क्योंकि स्विच से हम निकाल दिए हैं, बोर्ड से जो है प्लग निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी बच्चा है तो लग गया होगा, मेरी लापरवाही की वजह से गुस्सा कर रहा है। और वो हाथ नहीं रखा था, वो अचानक हाथ रख दिया, और मेरे हाथ से भी प्रेस आगे थोड़ा सा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा हमें अपने आप पे गुस्सा आई थी, लेकिन जो है क्या है ना,
बारिश का मौसम है, लाइट बिल्कुल अभी आई हुई है और चली कब जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जो है प्रेस करके रख दें सूट को, जब पहनने का मन करेगा तब हम पहन लेंगे इसको। गुस्सा कर रहा था इसीलिए फिर बाद में जो है इधर करके हम कपड़ा कर ले रहे हैं, और अगर इधर ही करके कर ले करते तो जो है इसको नहीं जलता, और थोड़ी सी ही लगी थी लेकिन जो है बच्चों के स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती तो बहुत ज़्यादा ही लग गया था। हालांकि हम छूकर देखे थे तो इतना ज़्यादा प्रेस गर्म नहीं था, इसको हम प्लग से निकाल लिए थे, पहले ही निकाल लिए थे कि जो है ये दूसरे प्लग से यहाँ कमरे का जो है बोर्ड ख़राब हो गया है, साकेट ख़राब हो गया है, जिसके कारण हमको बाहर से जला करके इसको गर्म करके लाना पड़ता है। और ये बस एक ही जोड़ी करेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम भी नहीं है इतना। और विराट को फिर जो है पढ़ाई वगैरह कराने के बाद ये सारे काम हमारे निपट गए, इसके बाद जो है हम दोनों लोग माँ और बेटा खाना खाएंगे। तो ये विराट थोड़ा सा खाना खा चुका था, टीवी देख रहा था, कार्टून उसी टाइम खा लिया था, लेकिन जो है अपने साथ थोड़ा सा खिला देंगे, जब तक खिलाते नहीं हैं तो हमको तसल्ली नहीं होती कि हाँ उसने उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और प्लीज़ जो है सपोर्ट करिए।